आप लोग, वेलकम टू माय चैनल. दिस इज़ मी साइमा पीरजादा फ्रॉम कराची, पाकिस्तान. सो यस, आज की वीडियो हमारी एक सॉन्ग पर है और टाइटल तो देखकर आप समझ गए होंगे. अगर नहीं समझे तो मैं बता देती हूँ. 22 लैंग्वेजेस एंड वन इन वन सॉन्ग. सो आज इस पर हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं. और इससे पहले हमने एक सॉन्ग सुना था जो कि नागालैंड, वॉइस ऑफ नागालैंड. सो वो भी बहुत अच्छा था और उसमें भी पूरे इंडिया के बारे में, मतलब कि बताया, एक मैसेज था कि हम सब लोग एक ही साथ रहते हैं और हम खुश हैं. सो ये भी 22 लैंग्वेजेस का भी कुछ उस तरह का ही लग रहा है. सो बिना देरी किए चलते हैं हम वीडियो की तरफ और फिर रिएक्शन देते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. वीडियो पूरी देखनी, ओके? वन. শুধুই না মে
वन सॉन्ग 22 लैंग्वेजेस, यार बहुत बड़ी बात है। और ये सॉन्ग सुनकर ना, अच्छा वैसे सुनने में ना समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि लैंग्वेजेस डिफरेंट थी ना, तो बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा था। लेकिन इन्होंने साथ में वो साथ में मेंशन करा हुआ था जो कि सबटाइटल के साथ, तो वो बहुत अच्छा था, उससे ट्रांसलेशन हो रही थी तो काफ़ी इजीली समझ आ रहा था, तो मैं उसको पढ़ने में इजी हो रहा था। सो इस सॉन्ग में जो मुझे समझ आया है वो ये है, जैसे कि नागालैंड की वॉइस जो सॉन्ग था उसमें इन्होंने एक मैसेज दिया था कि हम सब एक हैं, तो ये वही सेम सिमिलर है। इसमें बताया गया है कि वो मुझे एक चीज़ इसकी बहुत अच्छी लगी जो इसमें इन्होंने कहा कि स्किन से मतलब लोगों को मत पहचाने, उनको समझें, और इस तरह का कुछ बताया था। सो वाकई में ही हमें, हम लोगों को पॉलिटिक्स ने ना हम लोगों को मतलब कि झंझोड़ के रख दिया है, हम लोगों के दिलों में नफरत और हमें फिरके बना दिए हैं अलग अलग के, वो ये है वो ये है वो ये है। बेसिकली हम लोग सब जो है ना वो एक हैं, प्यार से रहें, रिस्पेक्ट से रहें, और किसी को भी कलर से मत पहचाने, जात से ना पहचाने। हम एक नेशन से हैं, एक मतलब मुल्क से हैं, तो जैसे एक इंडिया से हैं। सो इस तरह से लोगों को फील करना चाहिए, साथ में रहना चाहिए, एक दूसरे की केयर करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो इस सॉन्ग में इन्होंने ये सब मेंशन किया है। सो ओवरऑल म्यूज़िक बहुत अच्छा था और इनका मैसेज जो था ना वो बहुत अच्छा था। प्रोटेस्ट करते हैं लोग, अपने मुल्क का नाम ख़राब करने की कोशिश करते हैं, प्रोटेस्ट करें लेकिन प्यार से करें, रिस्पेक्ट करें अपनी मतलब कि एक प्रोटेस्ट करने का भी तरीका होता है। बाकी ऐसा नहीं है कि वो तमिल है, वो पंजाबी है, वो सिंधी है, तो इस तरह से नहीं होता, सबको एक बराबर रखना चाहिए और प्यार से रहना चाहिए। सो इसमें इस तरह का कुछ मैसेज था, तो मुझे ये वीडियो बहुत अच्छी लगी और सॉन्ग बहुत अच्छा था, और सबसे स्पेशल इस लड़की की आवाज़ बहुत अच्छी थी, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे से गाया और फील ही नहीं हुआ कि मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। सो बहुत ही अच्छा इनका कॉम्बिनेशन था। सो अगर बात कर लें लैंग्वेजेस की, तो इसमें काफ़ी लैंग्वेजेस थी सच एज गुजराती तो मुझे पता है, और काफ़ी ऐसी लैंग्वेजेस थी जो कि मुझे पता ही नहीं थी, लेकिन गुजराती मुझे पता थी, तमिल मुझे पता थी, मलयालम मुझे पता थी, हिंदी, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, इस तरह की, और सिंधी इंडिया में भी बोली जाती है, ये मुझे शायद पहले ऐसे आइडिया नहीं था। सो बेसिकली पाकिस्तान में तो सिंधी बहुत ज़्यादा है, ये एक हमारी मतलब लैंग्वेज भी है, लेकिन वहाँ पर भी बोली जाती है, ये मुझे पता नहीं था, लेकिन अच्छा लगा सुनकर, काफ़ी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन भी मिली है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी सॉन्ग, और मुझे तो बहुत अच्छी लगी। सो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, कॉमेंट करना तो मत भूलिएगा। आपको इसके बारे में क्या कहना है, इस सॉन्ग के बारे में, तो आपने वो कमेंट में ज़रूर बताना है। सो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा, और लास्ट में मेरा एक न्यू चैनल भी है जो कि मैंने बनाया है, और उसमें हम एक्सप्लोर करेंगे इंडिया को और उसके मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जानेंगे, मेट्रोस के बारे में जानेंगे, तो प्लीज़ उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उस पर भी हम डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज़ बनाने की कोशिश करेंगे। आप लोग सजेस्ट कीजिएगा मुझे वीडियोस, और मैं उस पर ज़रूर बनाऊंगी, और उस चैनल का मैं नाम और लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, इस वीडियो में भी, और साथ में कमेंट में भी मेंशन कर दूंगी। सो प्लीज़ आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ साइमा पीरजादा फ्रॉम कराची, पाकिस्तान। बाय बाय।